हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रुमैसा मार व्लॉग। कैसे हैं सब? चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ यूँ है जी, आपके साथ मैं एक ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली वो पार्टी मेकअप है और उसमें जो मैं लुक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें बहुत सारे ग्लिटर्स ऐड हैं, बहुत सारे शिमर्स वगैरह से आज मैं मेकअप करूँगी। तो बेसिकली ग्रीन ड्रेस मैंने पहना हुआ है तो ग्रीन शिमर्स ही मैं यूज़ करूँगी। तो बस जी क्या करना है जी, वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और क्या करना है। और दूसरी बात, आपने व्लॉग को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को लुक समझ आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो एंड पे जाके आप मेरी फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा और पूरा ड्रेस भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसा ड्रेस वेयर किया हुआ है। तो बाकी जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी, चलें जी लुक की तरफ चलते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज फिलअप कर लूँगी और छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा के प्रोडक्ट जो है डिपॉजिट करूँगी अपने आईब्रो में और उसके बाद इसको मर्ज कर लूँगी। उसके बाद कंसीलर यूज़ करूँगी, कंसील करके सेट कर लूँगी। बस जी ऐसे ही आईब्रो सेट होती हैं। ट्यूटोरियल मैं काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ, एक दफ़ा डिटेल में फिर दोबारा दूंगी, रील शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे। उसके बाद जी हमने हमने आईज़ को प्राइम कर लेना है कंसीलर से ताकि जो है हमारे जो कलर है वो डिसकलरेशन जो हुई हुई है वो सारी बैलेंस हो जाए। उसके बाद पाउडर लेके सेट कर लेना है। और आज जो मैं पैलेट यूज़ करूँगी कोको अर्बन का है, कलर बोर्ड पैलेट, बहुत ज़्यादा फेमस पैलेट था एक साल पहले, अभी भी है, लोग इसको मतलब अभी भी ये ट्रेंड में चल रहा है, इससे बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आपको सारे कलर्स इसमें मिल जाएंगे और इसके पिगमेंट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो हमने क्या करना है जी, ट्रांजिशन कलर ऐड करना है। सबसे पहले जी हमने अपनी पूरी आईलेट पे लाइट सा ब्राउन कलर कर लेना है, ऐड कर लेना है सारा। उसके बाद जी हमने ग्रीन करना है। ग्रीन की थोड़े से पिगमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा मुझे प्रॉपर जो कलर मैं चाहती थी वो हो जाए। तो मैंने ग्रीन कलर से ही सारी आई पे जो है कॉर्नर्स पे और उसका जो आई सर्कट है वो सारा मैंने ग्रीन से कर लिया था, ग्रीन कलर उससे ब्लेंडिंग करके सारा अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पर। बस दिखते जाएं और एंजॉय करते जाएं। साथ में जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जिसे लाइक नहीं किया लाइक कर दे और अच्छा सा कमेंट वीडियो देखने के बाद ज़रूर छोड़ देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, बस जी ब्लेंडिंग क्योंकि थोड़ा सा कलर लाइट था तो इस वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी इसको डार्क करने में। उसके बाद जी मैंने ग्लिटर लगाने से पहले गोल्डन कलर जो है वो अपने आई के जो बॉल है उस पर मैंने सारा डिपॉजिट कर दिया था उसे। और फिर उसके बाद जो हार्श लाइंस ख़त्म की थी आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर ग्रीन कलर लेके उसे ब्लेंडिंग की थी ताकि अच्छे से जो है जितनी भी हार्श लाइंस हैं वो सारी ब्लेंड हो जाएँ। गोल्डन कलर मैंने इसलिए यूज़ किया, जब उसके ऊपर ग्रीन कलर का शिमर लगाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ग्लिटरी और बहुत शिमरी लुक देगा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर जो है उसका ही शिमर ऐड कर रही हूँ, ग्लिटर देख सकते हैं आप, मैं फिंगर की मदद से लगा रही हूँ। और फिंगर से ये होता है कि जब आप इसको मतलब बहुत अच्छे से आपके जो है क्या उसे कह सकते हैं ग्लिटर्स जो आपके आईज़ पे चिपक जाते हैं, नहीं तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ग्लिटर ग्लू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लिटर ग्लू वाले नहीं थे, ये खुद ही से चिपक गए थे आपके आईज़ के ऊपर। तो इसके बाद जो हमने वही ग्रीन कलर लेके सारी जो है आश लाइन फिर से ब्लेंड कर लेनी है ताकि जो है सारी ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आई मेकअप होगा जी, हर दफ़ा बता चुकी हूँ, इसमें भी बता रही हूँ कि ब्लेंडिंग का ही काम होता है, ब्लेंडिंग पे ज़्यादा फोकस किया करें। और ये जो मेकअप है आप ग्लिटर चेंज करके किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हैं। तो मैंने गोल्डन कलर लगाया तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आ रहा है, आप भी गोल्डन कलर नीचे लगा के उसके ऊपर कोई भी आपने जो ग्लिटर यूज़ करना होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने टियर डग और ब्रॉबन को हाईलाइट कर लिया गोल्डन कलर से। दोनों आईज़ को मैं सेम लेके चल रही थी और साथ में मैंने यहाँ पर भी इसके भी टियर डग और साथ में ब्रॉबन को हाईलाइट कर लिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छे से मैंने हाइलाइटिंग कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रीज वाले जो हुडेड आइज़ हैं उनके लिए थोड़ा सा मेकअप ट्रिकी होता है, तो मैंने बड़ी कोशिश की है। तो जब हम इसको आइज़ बंद करते हैं ना तो हमारी जो जितने भी शिमर्स होते हैं वो छुप जाते हैं, इस वजह से मैंने सारा सॉकेट जो है ना पूरा आई कवर किया है ग्लिटर्स के साथ ताकि अगर वो बीच में हुडेड आइज़ की वजह से छुप भी जाएँ तो वो जो है ग्लिटर आपको नज़र आए। उसके बाद जो हमने वही लाइनर लगा लेना है
कौन सा वाला लाइनर यूज़ करती हूँ मैं लोकल मार्केट से, मैंने ये लिया था एक जेल लाइनर, इंग्लॉट का जेल लाइनर वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है तो इंग्लॉट का जेल आईलाइनर आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं मस्कारा लगा रूँगी, लैशेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे फ्लू हो रहा है और मेरी आईज़ में पहले इरीटेशन हो रही थी और मैंने लेंस लगाए हुए थे तो मैंने कहा छड़ो पर क्यों आई लैशेज लगा के सारे मेकअप का सत्यानाश कर दूँ, क्योंकि आइज़ में से पानी आना शुरू हो जाना था तो मैंने इस वजह से नहीं लगाई। उसके बाद जी हमने वाइट पेंसिल लगा लेनी है, आज मैंने काजल नहीं लगाया, मैंने वाइट पेंसिल लगाई है। उसके बाद जी हमने क्या करना है जी, अपने हाइलाइटर लगा लेना है। यहाँ पे जी मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं कि शिमर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ज्वेलरी वेयर कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने कुंदन का यहाँ पर सेट निकाला था वो पहन लिया इसके साथ। बाल मैंने पहले से ही बना लिए थे, स्ट्रेट कर लिए थे, सिंपल आप इसके साथ कर्ल भी कर सकते हैं, इसके साथ जूड़ा वगैरह वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसके साथ कोई भी अच्छा सा हेयर स्टाइल कर सकते हैं। और ग्लिटर चेंज करके आप मेकअप भी अपने ड्रेस के लिए हाथ से कर सकते हैं। तो जी आजकल वैसे भी वेडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, ये रहा जी मेरा फाइनल ड्रेस। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।